हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है भाषा। आज हम हिंदी ग्रामर का भाषा चैप्टर 1 लैंग्वेज रिवाइज करेंगे। नेहा, कल तुम खेलने क्यों नहीं आई? रमा ने नेहा से पूछा। नेहा ने बताया, कल मैं माँ के साथ बाजार गई थी। यह देखो रमा, मैं वहाँ से नाचने वाली गुड़िया भी लाई हूँ। रमा और नेहा आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुनकर आपस में जवाब दे रहे हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं और जब हम टीचर आपसे कुछ पूछती है तो आप लोग जवाब देते हो। मैं लाल रंग की कार लूँगी, नहीं मैं नाचने वाली गुड़िया लूँगी जैसे नेहा लाई थी। इस चित्र में रमा माँ के साथ बाजार जा रही है। वह सोच रही है कि कार ले कि नेहा की तरह गुड़िया ले। रमा खिलौने की दुकान पर पहुंच गई। अंकल, मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। कौन सी? ये गुड़िया नहीं, मुझे नाचने वाली गुड़िया चाहिए। अच्छा, ये लो नाचने वाली गुड़िया। रमा दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि चित्रों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं। नेहा और रमा ने पहले आपस में सवाल जवाब करे, फिर रमा ने सोचकर दुकानदार को अपनी बात समझाई और फिर दुकानदार समझ गया। इसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जो हम आपस में बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आज हमने सीखा कि जो हमें पूछा जाता है, जो हम बताते हैं, जो हम सोचते हैं या जो हम समझते हैं और समझाना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम अपने घरों में कौन कौन सी भाषा बोलते हैं? कुछ लोग हिंदी में बातें करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, कुछ लोग कोई और अपनी मदर टंग में बातें करते हैं। तो वो सब क्या होती है? भाषा होती है। अब आप अपने मनपसंद खिलौने के बारे में अपने घर में जरूर बातचीत करिएगा। भाषा के दो प्रकार भी होते हैं, जैसे मम्मी, रूही आज तुम्हें कौन सी कहानी सुनोगी? आज मैं छोटा भीम की कहानी सुनूंगी, रूही ने अपनी मम्मी से कहा। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें छोटा भीम की कहानी सुनाती हूँ। रूही बोलकर अपनी मम्मी से जो बात कह रही है और मम्मी जो सुन के जवाब दे रही है, जो हम मुंह से बोला जाता है उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं या मौखिक रूप कहलाता है। इसी तरीके से चित्र में देखो, बच्चे कापी पे कुछ लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जो हम लिखते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित कहते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। इस तरह से बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा के काम हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा दो प्रकार की होती हैं, पहली जो बोलकर और दूसरी जो लिखकर पहुंचा सकते हैं, तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। आज हमने इस पाठ में सीखा, भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। ये दो तरीके की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा के काम होते हैं बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। जैसे मैं आपको ये दो चैप्टर समझा रही हूँ, तो ये कौन सी भाषा हो मैं समझा रही हूँ? मौखिक भाषा में। अगर मैं आपको इस चैप्टर को लिख के बताऊं, दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये मैं आपको कैसे समझा रही हूँ? ये मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ। पापा क्या कर रहे हैं? पापा पत्र पढ़ रहे हैं या पापा पत्र लिख रहे हैं। पापा पत्र लिख रहे हैं। तो ये मैं जो आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी सोच रही है। हमें सबसे कैसे बोलना चाहिए? प्यार से या चीख कर? प्यार से। चित्र देखकर भाषा के सही रूप में निशान लगाइए, मौखिक भाषा या लिखित। सब्जी वाले से आंटी सब्जी खरीदने आई, तो ये आपस में कौन सी भाषा में बात करेंगे? मौखिक भाषा में। टीचर कक्षा में पढ़ा रही है, तो टीचर कौन सी भाषा में पढ़ा रही है इस समय? लिखित।